तो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रामबन। तो अभी टाइम जो हुआ है वो है 2:15, और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। हम सुबह उठ चुके हैं और उठ के अपनी गाड़ियों की ओर जा रहे हैं आगे। देखते हैं ये लोग कब हमें छोड़ते हैं आगे जाने के लिए। तो अभी ये देखिए, ये ऐसा कुछ सुबह का 2:15 का यहाँ का व्यू है। ये देखिए काफ़ी लोग उठ चुके हैं और अपने गाड़ियों की ओर जाने को तैयार है। अब देख तो गाइस, ये है अपना सुबह का 2:30 का कुछ ब्रेकफास्ट, चाय और कुछ सैंडविचेस। तो फाइनली सुबह के या अब रात के कह सकते हैं 3 बज गए हैं, और अब इन्होंने हमें अलाउ किया है कि आप जा सकते हैं अपनी गाड़ियों तक। तो अभी हम अपनी गाड़ियों की ओर जा रहे हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ सारा। ये देखिए सभी लोग अपनी गाड़ियों की ओर जा रहे हैं। चलते हैं अब गाड़ियों की ओर और आगे का सफ़र तय करते हैं। तो ये कुछ सुबह का 3 बजे का, भैया हमें भी ले ले अखबारे यार, कर लो यार। लो सर लो, हाय हाय, जय बोले जय बोले जय बोले, भैया बोल देना। तो अभी अंधेरा बहुत ज़्यादा है सुबह, तो आगे देखता हूँ मैं क्या आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि अंधेरे में शूट भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा। जहाँ भी लाइट होगी वहाँ पे शूट करूँगा और आपको शूट करके आगे का दिखाता रहूँगा। ये है नज़ारा सामने का जो आप देख रहे हैं, और ये नज़ारे के साथ हम पहुंच चुके हैं बनिहाल। अभी हम बनिहाल टनल के पास हैं, तो यहाँ पे हम 5 बजे पहुंच गए थे, वहाँ 3:30 चले थे रामबन से, तो 5 बजे यहाँ पे पहुंच गए थे। तो यहाँ पे टनल के पास हमें रोक दिया है कि आगे भी आप नहीं जा सकते। यहाँ ये जो सामने लंगर है यहाँ पर आप चले जाओ तो 7 बजे के बाद आपको जाने देंगे। लेकिन अभी सीन यहाँ पे ये है कि लंगर में जा रहे हैं तो लंगर वाले बोल रहे हैं कि 6 बजे से पहले आपको एंट्री नहीं मिलेगी लंगर में। तो फिलहाल यहाँ पे रोड पे ही हैं सारे खड़े हुए, तो 6 बजे एंट्री मिलेगी तो अंदर जाएंगे, लंगर में कुछ खा पी लेंगे, तो उसके बाद फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो फाइनली टाइम हो गया 6:45, और अभी हमें बोल दिया गया है कि हम आगे जा सकते हैं। ये देखिए आप पीछे कितनी लाइन लगी हुई है बसेस की और गाड़ियों की। तो अब हम आगे जा रहे हैं अपने टनल की ओर, बनिहाल टनल की ओर, और आगे का रास्ता आपको दिखाते हैं। तो फाइनली बांदीपुरा से चल के श्रीनगर के रास्ते होते हुए आगे हम आ गए हैं, और यहाँ से करीबन जो बालटाल है 80 किलोमीटर के करीब है, 80 किलोमीटर के करीब है यहाँ से बालटाल। और उसी रोड पे हम खड़े हैं, और यहाँ पे हमें फिर से कुछ फौजियों ने और पुलिस वालों ने रोका। यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपको कानबाई में आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो देखिए गाड़ियाँ वगैरह है ये यहाँ पर लगनी शुरू हो गई है। अब इस कॉन्वॉय में हम आगे
बालटाल तक जाएंगे। साथ हम मनी गांव से आगे चल के कोई उससे 30 से 40 किलोमीटर आगे आगे हैं और यहाँ पे एक ये राजा ढाबा है, यहाँ पे हम लोग रुके हैं। और ये देखिए ये व्यू जो आप देख रहे हैं, इस व्यू के साथ अब हम अंदर जा रहे हैं ढाबे के और यहाँ पे कुछ अपना खाने पीने की आइटम्स देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ खा पी के इसके बाद आगे चलते हैं, फिर आगे सीधा इसके बाद बालटाल में ही रुकेंगे। तो ये देखिए ये ढाबे का कुछ व्यू है के साथ ही, ये देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया नज़ारा कुदरत का। देखिए ऊपर पहाड़, नीचे नदी और इधर हम। यहाँ पे कुछ मैगी मंगाई है, परौंठे मंगाए हैं खाने के लिए। तो वो ये जो मेरे आप सामने देख रहे हैं, ये देखिए ये जो लाइन लगी हुई गाड़ियों की, ये ऊपर से आ रही है लाइन, जो कि ये 5 किलोमीटर लंबा जाम है। और ये 5 किलोमीटर लंबा जाम हमें पार करने के लिए करीबन 2 घंटे का समय लग गया। और 2 घंटे उस लाइन में लगने के बाद अब हम अपनी गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है। ये देखिए ये सारा पार्किंग स्पॉट है और अब हम आगे जा रहे हैं अपना सामान लेके लंगर की ओर। तो बाकी का आपको आगे चल के बताता हूँ। तो फाइनली अब हम लंगर की ओर जा रहे हैं। अपने ये जो रास्ता है ये पत्थरों वाला, ये वाला तय करके चल के इसके ऊपर हम आगे, ये देखिए ऊपर अपने लंगर की ओर जा रहे हैं। तो ये देखिए अब आगे हम चेकिंग के लिए जा रहे हैं। ये चेकिंग काउंटर है जहाँ पे हमारी चेकिंग होगी और इसके बाद हमें चेकिंग के बाद ही आगे जाने दिया जाएगा। ये देखिए सामने अपना जो है ये स्क्रीन लगी हुई है, इसके ऊपर जो आपका RFID कार्ड है उसको आप स्कैन करेंगे तो आपका सारा डाटा आ जाएगा। ठीक है, आप RFID कार्ड चेक होता है, इसको स्कैन करते हैं किसी का भी तो आगे चला जाता है। तो फाइनली सिक्योरिटी चेक हो चुका है, अब हम आगे जा रहे हैं, आगे अपने लंगर की ओर जा रहे हैं। और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अपने बैक कैमरा से कि यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु भी आए हैं। तो फाइनली मैं बालटाल के कैंप के अंदर पहुँच चुका हूँ। तो ये देखिए ये कुछ पहला व्यू है बालटाल के कैंप का। ये देखिए यहाँ पे कुछ टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं जिसको आप रेंट पे लेके यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं, रह सकते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, जैसे ये देखिए दुकानें वगैरह भी हैं। तो जो टेंट का रेट वगैरह है, जो टेंट का रेट है उसके बारे में आपको मैं आगे ब्लॉग में जानकारी दूंगा कि टेंट का क्या रेट यहाँ पे चल रहा है। तो आइए चलते हैं आगे। ये देखिए कुछ आगे चलते ही ये लंगर वगैरह भी है, यहाँ पे लंगर भी चल रहा है। और ये यहाँ पे आपको कपड़े वगैरह भी खरीदने के लिए मिल जाएंगे। ये देखिए कपड़े वगैरह भी है, शूज़ हैं, अगर आप घर से कुछ लाना भूल गए हैं तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और ये देखिए लंगर है, ये देखिए कुछ फ़ोटोज़ मूर्तियों की शॉप है, ये भी आप खरीद सकते हैं। लंगर यहाँ पर काफ़ी लगे हुए लुधियाने वालों का, और आगे जो लगा हुआ है ये भी होशियारपुर वालों का, काफ़ी तरह के लंगर, काफ़ी शहरों के लंगर यहाँ पे लगे हुए हैं। आप
अपने लंगर पे पहुंच चुके हैं। ये जो लंगर है हमारा, ये शिव शक्ति सेवा बुटलाडे वाले इनका है। तो आइए आपको लंगर के अंदर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर की कुछ व्यवस्था। अभी तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5 ही बजे हैं, तो अभी कुछ ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। तो लंगर की व्यवस्था रातों की भी, चाय पानी की व्यवस्था है। और ये देखिए कुछ ऐसा अंदर से ये लंगर दिखता है। तो अभी यहाँ पे लंगर पे पहुँच चुके हैं, तो अभी यहाँ पे कुछ देर हम रेस्ट वगैरह करेंगे, क्योंकि तो सुबह के 3 बजे के चले हुए अर्ली मॉर्निंग के, तो शाम को 3-3:30 बजे हम पहुँचे यहाँ पे। तो काफ़ी थकावट हो चुकी है और रात को भी सोने का कुछ ज़्यादा मिला नहीं, क्योंकि 2 बजे उठे थे। तो अभी कुछ देर यहाँ पे आराम करेंगे या लंगर में रेस्ट करेंगे। तो फाइनली मुँह हाथ धोने के बाद, फ्रेश होने के बाद अब मैं फिर से बाहर आ चुका हूँ। शाम का वक्त हो चुका है। तो ये देखिए ये सेवा, शिव शक्ति सेवा वालों का लंगर बढ़ा रहा है, इसके बाहर ही हूँ मैं। यहाँ पे आपको चिल्ला की आइटम और भी आइटम खाने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा ये जो लंगर है, इसके अलावा ये ओम शिव सेवा वालों का भी है। इधर भी इन्होंने काफ़ी कुछ सूप वगैरह, ये देखिए काफ़ी कुछ लगा हुआ, लंगर भंडारा काफ़ी है। इसके अलावा ये देखिए शॉप है, तो शॉप पे भी आप काफ़ी कुछ खरीद सकते हैं, कपड़े वगैरह अगर आपको चाहिए हो तो, किसी चीज़ की भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, शॉल्स वगैरह, तो ये कपड़े भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा और भी लंगर है, उनके भी आपको दर्शन करवाता हूँ। तो जय बोले, जय बोले। तो अभी सीन यहाँ पे क्या चल रहा है कि घोड़े वाले हैं, तो हमने सुबह घोड़े पे जाने का डिसाइड किया था। तो घोड़े वाले जो है वो अलग अलग रेट बता रहे हैं, कोई 2500 को 2500, लेकिन यहाँ पे आगे आजकल घोड़े वालों की पर्ची कटती है, तो वहाँ पे आप सीधा जाएंगे, तो वहाँ से आपकी पर्ची जो भी रेट होगा सही, वहाँ पे कटवा के आप घोड़े पे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे जब भी आओगे, ये घोड़े वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे कि हमसे घोड़ा लो घोड़ा लो, और अपना ही रेट बताएंगे। इसके अलावा और भी ये जो हैं, क्या उसको कहते हैं, बग्गी वाले, ये सब आपके पीछे पड़ जाएंगे, टेंट वाले पड़ जाएंगे कि आप हमारे टेंट में आओ, ये सभी आपके पीछे पड़ जाएंगे कि हमारे यहाँ आओ। इसके साथ हमारा रेट नहीं बन रहा, हमने 1500 बोला, ये 2500 बोल रहा है। कोई बात नहीं, रेट हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे यही चलता रहता है, रेट कम ज़रा हो जाता है। तो फाइनली हम यहाँ पे टेंट देख रहे हैं, ये जो टेंट आप देख रहे हैं, ये पूरा टेंट बना हुआ है, इसका ये 1000 मांग रहे हैं पर डे का। तो यहाँ पे हम फाइनली टेंट वगैरह लेने आए हैं। ये देखिए ये सब पे टेंट ही लगे हुए हैं, ये देखिए सारा टेंट एरिया। और ये भाई है हमारा जिससे हमने टेंट लिया है, तो ये 2000 बोल रहा था 2 दिन के लिए, तो 2000 रुपया 2 दिन के लिए बोल रहा था, लेकिन नेगोशिएशन करके एक पूरा पर्सनल टेंट जो है वो हमने 1600 रुपया 1600 में बुक कर लिया। तो यहाँ का सुबह का तो जो सीन था वो मैंने आपको दिखा दिया था, अब रात को भी यहाँ पे कुछ अलग और अद्भुत सीन होता है। ये देखिए ये जो पूरे लंगर हैं, ये इन्होंने पूरे सजाए होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं ये लाइटिंग में। ये देखिए ऐसे सारे लंगर इन्होंने बहुत लाइटिंग करके सजाए होते हैं। ये देखिए आगे चलेंगे हम और भी लंगर देखेंगे। ये देखिए कुछ लोग यात्रा करके ऊपर से नीचे आते हैं, तो ये देखिए रात का शाम का कुछ सीन है। ये देखिए कबूतरले वाला का लंगर है, कबूतरले वालों का पूरा सजाया हुआ है। और आगे चलेंगे हम और भी आपको लंगर के दर्शन करवाएंगे, अलग अलग जो लंगर है सभी आपको दिखाएंगे कैसी किसी ने डेकोरेशन की हुई है। तो इस व्लॉग में मैंने आपको
रामबन से बालटाल का पूरा दिखाया है, और मैंने आपको इसमें पूरा बताया है कि कब आप बनिहाल टनल से गुजर सकते हैं 7 बजे के करीब, और उससे पहले आप नहीं गुजर सकते। और अगर आप 3 बजे के बाद बनिहाल टनल को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको नहीं करने देंगे। 3 बजे से पहले ही वो आपको बनिहाल टनल अब क्रॉस करनी होगी। और इस व्लॉग में मैंने आपको अलग अलग जो लंगर है बालटाल के उनके दर्शन करवाए हैं। अब अगले व्लॉग में हम बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने जाएंगे, तो आपको उसके बारे में पूरा दिखाएंगे। और अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।